बेहतर होगा। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। इसी उम्मीद को, इसी हौसले को, इसी संकल्प को कायम रखना कि हम जितना भी लेक्चर में पढ़ रहे हैं ना, हमने करना है। अगर हम थक रहे हैं, मान लो क्वेश्चन करके तुम थक चुके हो, नहीं अब एक रेस्ट लेते हैं, ले लो रेस्ट, लेकिन दैट रेस्ट शुड नॉट गो फ्रॉम 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने ले लिया ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पढ़ाई का क्या फायदा ना, फिर आप इतनी देर बैठे भी हो, सुन भी रहे हो, अगर आप गैप डाल दोगे एकदम से तो आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी, आप ही फेस करोगे, आप एकदम से आपका जो फ्लो बना हुआ है स्टडीज का खराब हो जाएगा। 5 मिनट का क्विक रिकैप लो, 10 मिनट का क्विक रिकैप लो, फटाफट जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर आओ, पानी पियो, आंखों पे पानी डाल के आओ, फ्रेशनेस लेके आओ, ठीक है, फटाफट जाओ अपनी मदर के पास जाओ, सिस्टर के पास जाओ, या किसी को भी अपनी फैमिली में जो भी है उनके पास जाइए, उनको कहिए फटाफट से हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, हैव अ ग्लास ऑफ जूस, कुछ भी, या इफ यू ईट फ्रूट्स कुछ भी खाओ, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, रिलैक्स करो, क्योंकि अब हम जो है ना बहुत अच्छे से इन डिटेल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिकैप करने के बाद हमारा सारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला, एंड आई वांट एवरीवन टू पे वेरी वेरी अटेंशन, तो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक मत लेना, फटाफट से जाओ, फटाफट से वापस आओ, अब पॉज कर लेना, ठीक है, मैं अपना आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, तो चलिए रिकैप स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे। देखो आपको क्लासिफिकेशन आती है, आपको नॉर्मल टीचर आती है, बार-बार नहीं करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन में किया, रिएक्शन जहां पर गलती कर जाते हैं वहां स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिकैप हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला रिकैप हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो वेलकम्स का। अब मैं आपको मेन में रिएक्शन करवाऊंगी, मैकेनिज्म नहीं लिखूंगी, मेन में पॉइंट्स बोलूंगी, तो आप इस पर चीट शीट भी इस्तेमाल